वॉर 2 में शाहरुख खान का कैमियो हुआ पक्का। जूनियर एनटीआर के संग फेस ऑफ करेंगे शाहरुख खान। क्या फिल्म में पठान 2 का मिलेगा सबसे बड़ा हिंट? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि खबरें आ रही हैं कि फिल्म वॉर 2 में शाहरुख खान कैमियो करने वाले हैं। बता दें कि जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन इन दिनों वॉर 2 की शूटिंग में सुपर बिजी चल रहे हैं। अब हाल ही में आई रिपोर्ट ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। बता दें इस फिल्म में शाहरुख खान का पठान लुक में एक कैमियो हो सकता है। दरअसल ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर वाईआरएफ यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 पर काम शुरू कर चुके हैं। खबर है कि वॉर 2 में शाहरुख खान के किरदार को यानी पठान को टीज किया जाएगा। शाहरुख इस पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए शूट करेंगे लेकिन इसे हाल फिलहाल में शूट नहीं किया जाएगा। वॉर 2 की शूटिंग पूरी होने में कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में पठान वाला सीक्वेंस कब फिल्माया जाएगा इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि शाहरुख खान इस फिल्म में जूनियर एनटीआर से भिड़ते नजर आएंगे या फिर ऋतिक रोशन की हेल्प करेंगे इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म के एक्शन सीन्स की शूटिंग करने के लिए जूनियर एनटीआर मुंबई पहुंचे हैं। फैंस अब जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन को साथ देखने के लिए बेताब हैं। इस फिल्म के एक्शन सीन्स में जूनियर एनटीआर 40 लोगों के साथ फाइट करते नजर आएंगे। ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अगले साल में थिएटर्स में रिलीज होगी। अब ऐसे में वॉर 2 में शाहरुख खान के कैमियो वाली खबर को सुनकर के ही फैंस तो हाई लेवल पर उतावले होने लग गए हैं। हालांकि अगर शाहरुख खान वॉर 2 में दिखाई देते हैं तो ऋतिक और शाहरुख खान को एक साथ फिर से स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि मेकर्स शाहरुख खान के कैमियो पर कब तक मुहर लगाते हैं। साथ ही फिल्म में शाहरुख का पठान वाला किरदार अगर डाला जाता है तो ये फिल्म वॉर 2 के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा ये भी देखना रहेगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।